सावन मास में शिव जी को प्रसन्न करने के लिए बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाए जाते हैं। साथ ही ये महीना कावड़ियों का महीना कहलाता है। इसी महीने में हरियाली तीज नाम का एक प्राचीन त्योहार भी आता है और कहते हैं कि ये महीना शिव की साधना के लिए सर्वोत्तम है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन सभी रूपकों या अलंकारों के पौराणिक या आध्यात्मिक महत्व क्या हैं? नहीं तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको इन्हीं के महात्म्य के बारे में बताते हैं। इसलिए इस पावन वीडियो को पूरा एंड तक देखना। स्वागत है आपका आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले वीडियो को अभी लाइक कर लीजिए। ओम नमः शिवाय। शिवलिंग पर बेलपत्र और शमी पत्र चढ़ाने का वर्णन पुराणों में भी किया गया है। बेलपत्र भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है। कहा जाता है कि आक का एक फूल शिवलिंग पर चढ़ाने से सोने के दान के बराबर फल मिलता है। हजार आक के फूलों की अपेक्षा एक कनेर का फूल, हजार कनेर के फूलों को चढ़ाने की अपेक्षा एक बिल्व पत्र से दान का पुण्य मिल जाता है। हजार बिल्व पत्रों के बराबर एक द्रोण या गुमा फल फलदायी होते हैं। हजार गुमा के बराबर एक चिचड़ा, हजार चिचड़े के बराबर एक कुश का फूल, हजार कुश फूलों के बराबर एक शमी का पत्ता, हजार शमी के पत्तों के बराबर एक नीलकमल, हजार नीलकमल से ज्यादा एक धतूरा और हजार धतूरों से भी ज्यादा एक शमी का फूल शुभ और पुण्य देने वाला होता है। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल तरीका उन्हें बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र के पीछे भी एक पौराणिक कथा का महत्व है। इस कथा के अनुसार भील नाम का एक डाकू था। ये डाकू अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए लोगों को लूटता था। एक बार सावन माह में ये डाकू राहगीरों को लूटने के उद्देश्य से जंगल में आया और एक वृक्ष पर चढ़कर बैठ गया। एक दिन और रात पूरा बीत जाने पर भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। जिस पेड़ पर वो डाकू छिपा था वो बेल का पेड़ था। रात दिन पूरा बीतने पर वो परेशान होकर बेल के पत्ते तोड़कर नीचे फेंकने लगा। उसी पेड़ के नीचे एक शिवलिंग स्थापित था। जो पत्ते वो डाकू तोड़कर नीचे फेंक रहा था वो अनजाने में शिवलिंग पर ही गिर रहे थे। लगातार बेल के पत्ते शिवलिंग पर गिरने से भगवान शिव प्रसन्न हुए और अचानक डाकू के सामने प्रकट हो गए और डाकू को वरदान मांगने को कहा। उस दिन से बिल्व पत्र की महत्ता और बढ़ गई। सावन के महीने में सोमवार महत्वपूर्ण होता है। सोमवार का अंक 2 होता है जो चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करता है। चंद्रमा मन का संकेतक है और वो भगवान शिव के मस्तक पर विराजमान है। चंद्रमा मनसो जातः, यानी चंद्रमा मन का मालिक है और उसके नियंत्रण और नियमन में उसका अहम योगदान है। यानी भगवान शंकर मस्तक पर चंद्रमा को नियंत्रित कर उस साधक या भक्त के मन को एकाग्रचित्त कर उसे अविद्या रूपी माया के मोहपाश से मुक्त कर देते हैं। भगवान शंकर की कृपा से भक्त त्रिगुणातीत भाव को प्राप्त करता है और यही उसके जन्म मरण से मुक्ति का मुख्य आधार सिद्ध होता है। कांवड़ यात्रा। ऐसी मान्यता है कि भारत की पवित्र नदियों के जल से अभिषेक किए जाने से शिव प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामना पूरी करते हैं। कांवड़ संस्कृत भाषा के शब्द कांवा रथी से बना है। ये एक प्रकार की बहंगी है जो बांस की फट्टी से बनाई जाती है। कांवड़ तब बनती है जब फूल, माला, घंटी और घुंघरू से सजे दोनों किनारों पर वैदिक अनुष्ठान के साथ गंगा जल का भार पिटारियों में रखा जाता है। धूप दीप की खुशबू, मुख में बोलबम का नारा और मन में बाबा एक सहारा। माना जाता है कि पहला कांवड़िया रावण था। श्री राम ने भी भगवान शिव को कांवड़ चढ़ाई थी। हरियाली तीज सावन का महीना प्रेम और उत्साह का महीना माना जाता है। इस महीने में नई नवेली दुल्हन अपने मायके जाकर झूला झूलती है और सखियों से अपने पिया और उनके प्रेम की बातें करती है। प्रेम के धागे को मजबूत करने के लिए इस महीने में कई त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक त्योहार है हरियाली तीज। ये त्योहार हर साल श्रावण माह में शुक्ल पक्ष की तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार के विषय में मान्यता है कि माता पार्वती ने भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या की थी। इससे प्रसन्न होकर शिव ने हरियाली तीज के दिन ही पार्वती को पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। इस त्योहार के विषय में ये मान्यता भी है कि इससे सुहाग की उम्र लंबी होती है। कुंवारी कन्याओं को इस व्रत से मनचाहा जीवन साथी मिलता है। हरियाली तीज में हरी चूड़ियां, हरा वस्त्र और मेहंदी का विशेष महत्व है। मेहंदी सुहाग का प्रतीक चिन्ह माना जाता है, इसलिए महिलाएं सुहाग पर्व में मेहंदी जरूर लगाती है। इसकी शीतल तासीर प्रेम और उमंग को संतुलन प्रदान करने का भी काम करती है।
माना जाता है कि मेहंदी बुरी भावनाओं को नियंत्रित करती है। हरियाली तीज का नियम है कि क्रोध को मन में नहीं आने दें। मेहंदी का औषधीय गुण इसमें महिलाओं की मदद करता है। सावन में पड़ने वाली फुहारों से प्रकृति में हरियाली छा जाती है। सुहागन स्त्रियां प्रकृति की इसी हरियाली को अपने ऊपर समेट लेती है। इस मौके पर नई नवेली दुल्हन को सास उपहार भेजकर आशीर्वाद देती है। कुल मिलाकर इस त्योहार का आशय यही है कि सावन की फुहारों की तरह सुहागने प्रेम की फुहारों से अपने परिवार को खुशहाली प्रदान करेंगी और वंश को आगे बढ़ाएंगी। सावन के महीने में सबसे अधिक बारिश होती है, जो शिव के गर्म शरीर को ठंडक प्रदान करती है। भगवान शंकर ने स्वयं सनत कुमारों को सावन महीने की महिमा बताई है कि मेरे तीनों नेत्रों में सूर्य दाहिने, बाएं चंद्रमा और अग्नि मध्य नेत्र है। जब सूर्य कर्क राशि में गोचर करता है तब सावन महीने की शुरुआत होती है। सूर्य गर्म है जो उष्मा देता है, जबकि चंद्रमा ठंडा है जो शीतलता प्रदान करता है। इसलिए सूर्य के कर्क राशि में आने से झमाझम बारिश होती है, जिससे लोक कल्याण के लिए विष को पीने वाले भोलेनाथ को ठंडक और सुकून मिलता है। इसलिए शिव को सावन से इतना गहरा लगाव है। सावन और साधना के बीच चंचल और अति चलायमान मन की एकाग्रता एक अहम कड़ी है, जिसके बिना परम तत्व की प्राप्ति असंभव है। साधक की साधना जब शुरू होती है तब मन एक विकराल बाधा बनकर खड़ा हो जाता है, उसे नियंत्रित करना सहज नहीं होता। लिहाजा मन को ही साधने में साधक को लंबा और धैर्य का सफर तय करना होता है। इसलिए कहा गया है कि मन ही मोक्ष और बंधन का कारण है, अर्थात मन से ही मुक्ति है और मन ही बंधन का कारण है। भगवान शंकर ने मस्तक में ही चंद्रमा को दृढ़ कर रखा है, इसलिए साधक की साधना बिना किसी बाधा के पूर्ण होती है। हम आशा करते हैं आपको सावन के ये सभी रूपकों और अलंकारों की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि हमसे कोई रूपक या अलंकार छूट गया है तो कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक कर अपने मित्रों और सगे संबंधियों के साथ शेयर करना ना भूलें। और यदि अभी तक आपने आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स को सब्सक्राइब करके घंटी वाला निशान अवश्य दबाएं। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।